कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और न्याय, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। समाजवादी विजय रथ, जो उत्तर प्रदेश का कानून जीप के टायर से रौंदा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछिए आप। जहां भी दो दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई, उनके परिवार से भी मैं मिला, उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं, और जिन परिवारों से भी मिला हूं, सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे, तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। अभी दशहरा नहीं आया, नौमी खत्म होने जा रही, सब आ जाएगा अच्छे दिन में। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर दे। जिन पे आरोप हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या किसी देश के गृह राज्य मंत्री ये कहेंगे कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं? ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी। और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहाँ पर और प्रशासन के लोग हैं, सब ने देखा है कि गाड़ियाँ किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए है कि जिससे न्याय न मिल पाए। फिलहाल जो न्याय के लिए परिवार बैठे, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगा ये रणनीति बनाइए, 12 तारीख से रथ चल रहा है। अभी बीजेपी बुरी तरह हार के आई है बंगाल में, ये तो सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सवाल थोड़ा सा लीक से हट कर है, पहले भी कब तक
कोई मन में सवाल हो तो पूछ लो, हाँ कोई बचा हो तो पूछ लो। भाई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है प्रेस का। अच्छा मैं जान लूँगा। अच्छा ठीक है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछ लो। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो अकेले में भी, तो चलते चलते अकेले में पूछ लेना। नहीं, आपके मन में, मैंने कहा कोई ये नहीं कहेगा प्रेस के लोगों, ये समाजवादी पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं पूछो। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आप कितने आज़ाद हैं। अब जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये बहुत सी बातें, ये मत करो, ये मैनेजमेंट का मामला है, ये समाजवादियों के हाथ में नहीं है मैनेजमेंट। उन्होंने ठीक कहा।